बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुड्डो, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुड्डो की दुनिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हर दुख तकलीफ परेशानियों से दूर रखे, आमीन। इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो शुरू। आज मैं बनाऊंगी गुड़ वाली गाजरें, यानी देसी तरीके से मुरब्बा, जो बहुत ही मज़े का होता है। तो करते हैं शुरू, गाजरे छील लेते हैं, इसके बाद फिर करते हैं जो करना है। गाजरे मैंने छील के काट ली है, ये लंबी लंबी, अब इनको वॉश करती है, तो फिर रखते हैं चूल्हे पे। गाजरे मैंने वॉश कर लिया, अब डालते हैं इसको तेल में। अब इसमें मैं डालूंगी गुड़, ये गुड़ है दो पीस, इसको मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, करके तो फिर मैं गाजरों में डालती हूँ। गाजरे मैंने धो के वॉश करके डाल दी पतीली में, अब ये ऊपर मैं गुड़ डाल दूंगी। थोड़ा सा बिल्कुल बस इतना सा पानी डालूंगी, क्योंकि गाजरों में पानी होता है, ये अपने पानी से खुद ही हो जाएंगे। अब इसको रखते हैं चूल्हे पे, तिल में रखती हूँ चूल्हे पे, बिल्कुल दम वाली आग पे ना इनको रखना है, ताकि क्योंकि गाजर में इतना पानी नहीं है, गाजरों में ये जो गाजरों का पानी है ना उसमें ये गल जाएंगे, इसलिए मैं दम वाली आग पे रख रही हूँ। चेक करते हैं गाजर गल गई हैं, ये देखे माशाल्लाह से, अब इनको निकालते देखते। बिस्मिल्लाह, ये गाजरें बहुत अच्छी होती हैं, सर दर्द के लिए, आँखों के लिए, और खून भी पैदा करती है। आप भी ऐसे बना के खाएं, बहुत मज़े की लगेंगे। तो गाजर का दूसरा मुरब्बा होता है, वो तो वजनी होता है ना, चीनी वाला होता है, ये इस तरीके से आप बनाएं तो आपका दिल खुश हो जाएगा खा के, ये खून भी पैदा करती है, आँखों के लिए भी। गाजरे हो गई हमारी तैयार, ये मैंने देसी तरीके से बनाया है मुरब्बा गाजर का, ये तो दूसरा होता है ना चीनी वाला, शीरे में पकाते हैं, ये मैंने बनाया है गुड़ में, गुड़ डाल के। ये गाजरें बहुत अच्छी होती हैं, ताकत वाली होती है ऐसी गाजरें, तो आप भी ऐसे बना के आप खाएं, अपने बच्चों को दोए, सुबह के टाइम जब खाए ना खाली पेट, तो बहुत अच्छी है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, खून भी पैदा होता है, सर दर्द नज़र के लिए, ये बहुत अच्छी है। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आप मुझे कमेंट करके ये मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको ये देसी तरीके से गाजर का मुरब्बा कैसे लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।